हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, वेलकम टू द एविएशन कैरियर माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मंजीत रॉय एंड आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की जॉब डेट्स के बारे में। बट इससे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी फ्लाइविंग एयरलाइंस के ऊपर अपडेट दिया था ग्राउंड स्टाफ एंड केबिन क्रू पोजिशंस के लिए। सो जो भी स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टाफ एंड केबिन क्रू पोजिशंस के लिए इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर चुके हैं, इसका इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अभी करेंटली सिर्फ जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो केबिन क्रू पोजीशंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अभी ग्राउंड स्टाफ के लिए इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जब भी ग्राउंड स्टाफ पोजीशंस के लिए इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको कोई और वीडियो में अपडेट दे दूँगा। अभी ओनली फीमेल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जो फीमेल फ्रेशर स्टूडेंट्स केबिन क्रू पोजीशंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए इंटरव्यू 21 एंड 22 जनवरी को इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। मैं आप लोगों से एड्रेस शेयर कर दे रहा हूँ। इसका एड्रेस है जहाँ पे आपको इंटरव्यू दे के जाकर देना है, प्लॉट नंबर 46 सेक्टर 35 HSIIDC गुड़गांव। आपको इस एड्रेस पे डायरेक्टली वॉकिंग इंटरव्यू है, डायरेक्टली आपको इस एड्रेस पे जा करके इंटरव्यू देना है, ठीक है। ये ओनली फ्रेशर्स केबिन क्रू पोजीशंस के लिए, ओनली फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, ओके। जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपना रेज्यूमे मेल कर चुके हैं दिए हुए ईमेल आईडी पे, वो डायरेक्टली वॉकिंग इंटरव्यू है, डायरेक्टली आप वेन्यूज पे जा करके इंटरव्यू दे सकते हो। जो स्टूडेंट अभी तक इसको अप्लाई नहीं किए हैं वो इंटरव्यू देने से पहले HR@flyweek.in इस ईमेल आईडी पे अपना रेज्यूमे मेल कर दें, देन इंटरव्यू देने के लिए जाएं। नाउ अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो FSTC.in पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। वहाँ पे आपका नेम, लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रिक्वायर्ड किया जाएगा। वहाँ पे जा करके ये प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, देन आप इंटरव्यू के लिए जाएं दिए हुए वेन्यूज पे। इसका वेन्यूज का एड्रेस यही है, आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लॉट नंबर 46 सेक्टर 35 HSIIDC गुड़गांव हरियाणा। इस एड्रेस पे जाकर के आपको 21 जनवरी एंड 22 जनवरी इसका इंटरव्यू दो दिन चलने वाली है। तो जो भी गर्ल्स इस एयरलाइंस को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए केबिन क्रू, तो आप इसको जाकर के दिए हुए वेन्यूज पे इंटरव्यू दे सकते हैं। नाउ अब बात करेंगे आज के अपडेट्स के बारे में। आज का जो अपडेट्स है वो इंडियन आर्मी की तरफ से है। वैसे तो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट वे है, बट आज का जो अपडेट है वो NCC स्पेशल एंट्री 49th कोर्स के लिए है जो कि अप्रैल 2021 में है। ये आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये अपडेट्स ओनली जो NCC जिस भी स्टूडेंट के पास NCC का B&C विंग सर्टिफिकेट है वही इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज जो बैटल कैजुअलिटीज़ है, वार्ड एंड बैटल कैजुअलिटीज़ के जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो भी इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। NCC स्पेशल एंट्री 49th कोर्स अप्रैल 2021 शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वोमेन इंक्लूडिंग वार्ड विटल्स कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स, ठीक है। सो मैन एंड फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेशन है, अवेलेबल है, बट टर्म एंड कंडीशंस वही है कि आपके पास NCC का B&C का विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशंस वार्ड एंड विटल्स कैजुअलिटीज के लिए मीन्स जरूरी नहीं है, उनके पास NCC का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट नॉर्मली जिस भी स्टूडेंट्स के पास NCC स्पेशल एंट्री में आना चाहते हैं वो, तो उनके पास NCC का B&C सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया जा रहा है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वार्ड बिटल्स कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स और ग्रांट फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ही इसको अप्लाई कर सकते हैं ओनली। और एक और टर्म एंड कंडीशन है, आप इंडियन नेशंस के तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। आपकी एज लिमिट की बात करें तो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया जा रहा है मिनिमम 19 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। एंड आपका जो बॉर्न का जो डेट है
2 जनवरी 1996 टू 1 जनवरी 2002, आप इस एज के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर आप बॉर्न हो तो आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। नाउ एक और बात आपको ध्यान देना है, कैंडिडेट शुड नोट द डेट ऑफ बर्थ एज अ रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पे आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही वो कंसिडर करेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है, आपका डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, उसमें आपका मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, देन आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नाउ आगे मूव करते हैं। आप लोग पहले बताया हूँ मैं कि आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, ग्रैंडिंग शुड हैव अपडेंट मिनिमम बी ग्रेड एंड सी ग्रेड सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास अप्लाई करने के लिए बी ग्रेड एंड सी ग्रेड का एनसीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। ये एनसीसी का सर्टिफिकेट वार्ड बिटेल्स एंड आर्मी कैजुअलिटीज के लिए नीड नहीं है, ये ओनली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नीड है। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक सेशन देना चाहता हूँ मैं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी कॉलेज लाइफ में हैं, जो अभी जिनका अभी ट्वेल्थ रनिंग में है या फिर ग्रेजुएशन रनिंग में है, अगर उनको एनसीसी का प्रोग्राम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो डेफिनेटली करें, बिकॉज आगे चल के फ्यूचर में आपको एनसीसी का जो एडवांटेज है वो मिलेगा, जो कि डिफेंस सर्विसेज है उसमें। सो अगर आपको इस एनसीसी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके कॉलेज लाइफ में तो आप डेफिनेटली करें। नाउ मूव करते हैं आगे, बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो मेल के लिए, एनसीसी मेल के लिए वो है 50 वैकेंसीज है, इसमें से 45 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी एंड 5 वैकेंसीज है वार्ड और बिटेल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स के लिए। वही वुमेन के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है एंड 4 वैकेंसीज है जो जनरल कैटेगरी एंड 1 वैकेंसीज वार्ड बिटेल्स कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स ओनली। ओके नाउ आगे मूव करते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका आपको एडवांटेज मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरी नहीं है, कोविड को लेकर के जितने भी डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अभी तक एक सिर्फ एफ कैट जो कि इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया था उसमें रिटर्न एग्ज़ाम नीट था, बाकी के जो इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आया है या फिर जितने भी इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन आए हैं उसमें कोविड को लेकर के अभी नोट जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन्ड किया गया है। आप इसको अप्लाई करते हो, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको डायरेक्टली जो SSB का इंटरव्यू है उसके लिए कॉल किया जाएगा एंड आपका टोटल 49th विंग का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड 49th वीक एट OTA चेन्नई। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है जो कि इंडियन आर्मी का बेस है, वहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग की दी जाती है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सक्सेसफुल्ली ऑल टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो, देन जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया, देन आपके पास आप अप्लाई करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपने SSB का इंटरव्यू क्लियर कर लिया, SSB का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो होगी चेन्नई में OTA में, देन आपका ट्रेनिंग 49 वीक का रहेगा, आपने 49 वीक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, देन आपकी जो पोस्टिंग होगी वो लेफ्टिनेंट पोस्ट पे होगी ऑन कमीशन, ठीक है, देन आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती जाएगी, देन लेफ्टिनेंट से आप कैप्टन बनेंगे, कैप्टन के बाद मेजर बनेंगे, मेजर के बाद LT कर्नल बनेंगे, LT कर्नल के बाद कर्नल TS, कर्नल TS के आफ्टर दैट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन LT जनरल, इस टाइप से आपका प्रमोशन होती जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, आपको जो पैकेज दी जाएगा लेफ्टिनेंट के लिए लेवल 10 में आप आएंगे तो 56,100 टू 1,77,500, कैप्टन के लिए ग्रेड लेवल 10 बी 61,300 टू 1,93,900, ठीक है। इस टाइप से इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए ये पे स्केल दिया गया है,
ठीक है, आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सैलरी पैकेज भी रहेगा और इस टाइप से आपका ये पोजीशन दिया गया है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। इसके आपके सैलरी के अलावा भी आपको यहाँ पे और डिफरेंट टाइप अदर अलाउंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि आपका स्पेशल अलाउंसेस मिल जाएंगे, आपका फूड्स का, आपका हॉस्टल्स का, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे इसमें, डोंट वरी। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, देन आपको SSB का इंटरव्यू क्लियर करना है। ठीक है, इसमें और बहुत कुछ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपको मैंने शेयर कर दिया है। एक और बात, आपको हाउ टू अप्लाई दिस जॉब वैकेंसीज, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है www.joinindianarmynic.in। उसका सबसे पहला जो आएगा उस पर क्लिक करना है, फर्स्ट पेज में। इसको क्लिक करने के बाद आपको यह इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे कुछ कैप्चा रिक्वायर्ड किया जा रहा है, इसको आपको पुट कर देना है 1102486, इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसका ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आपके सामने आ रहा है, अभी देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। हाँ देखिए, ऐसा आ जाएगा आपके पास इंटरफेस। ठीक है, आपका जो इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा, ये इंटरफेस आएगा आपको। ठीक है, देन आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, नीचे में जो जहाँ पे मेरा कर्सर, माउस कर्सर जा रहा है ना, वहाँ पे है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन NCC स्पेशल एंट्री, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, एंड आपको अप्लाई करना है तो क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए। फिर आपको अगेन कैप्चा रिक्वायर्ड किया जा रहा है 1026984 6, देन इंटर वेबसाइट, सॉरी कैप्चा मैंने रॉन्ग डाल दिया, 1085216 9। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, आई एम एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई करने के हाउ टू ज्वाइन, ठीक है, जनरल जो भी जिस जैसे भी आपको करना है अप्लाई, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अप्लाई के बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे आप लोगों से मैं शेयर कर दिया हूँ। एक और बात, ये फॉर्म का डेट ऑलरेडी 30 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था 2020 को, एंड इसका लास्ट डेट है जो 28 जनवरी 2021 तक है। तो इसको आपको माइंड में रखना है और 28 जनवरी से पहले आपको इसको अप्लाई कर लेना, मीन्स आप ट्राई करें कि 27 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे, वो आप लोगों से मैं इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। आप अगर आपका NCC का BNC सर्टिफिकेट है तो आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करें, NSSB का इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें और इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर आप जॉब कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आप एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। अदरवाइज आप मुझे मेल लिख सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcareer@gmail.com। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।